दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई ईट इन द मॉर्निंग और बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी है. अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो. वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा अजीबो गरीबो वाला रूम. तो आप सोच रहे होगे अजीब और गरीब क्यों. तो बेसिक सिंपल है, अजीब मैं और गरीब मेरा रूम. और मैंने पूरा इंडिया का जुगाड़ लगाया हुआ है मेरे रूम में, मतलब इंडिया का नहीं, मेरा दिमाग, इंडियन दिमाग. तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा रूम छोटू सा और मैंने कैसे एडजस्ट किया है वो भी. आने के बाद सबसे पहले ये मिरर खरीदा था. लोग ग्रॉसरी खरीदते हैं, मे बी इलेक्ट्रिकल चीज़ खरीदते हैं, बट मी बीइंग मी, क्योंकि ये रूम में कांच था नहीं और 5 दिन भी विदाउट कांच मैंने निकाला, बहुत बड़ी बात है क्योंकि लड़कियों ना स्किन केयर करनी होती है कि नहीं. तो उसके बाद मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मेरे रूम की. ये थोड़ा सा रूम टूर नहीं है, ऐसे ही मेरे जुगाड़ों का टूर है. तो मैं आपको मेरे हर एक जुगाड़ बताऊँगी कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है. जब मैं आई थी तब यहाँ पे ठंड थी, फिर भी है ना मेरे को सफोकेशन होता था क्योंकि यूके के रूम में ना फैंस नहीं होते, ना फैन होता है ना एसी होते हैं. तो ना आपको सफोकेशन होता है, भले ही ठंड हो लेकिन सफोकेशन होता है क्योंकि आप इंडिया से नए नए आए होते हो जहाँ आपको दिन फैन की आदत होती है. ऐसे चल, मतलब इतना इरिटेट होता है ना स्टार्टिंग में. इतनी शांति होती है ना यहाँ के रूम में कि आपके पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी. तो जोक्स अपार्ट, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सबसे पहले यूके आने के बाद क्या लिया था. तो मैंने सबसे पहले यूके आने के बाद मेरी पहली कमाई से लिया था ये फैन. तान! आप सोच रहे होंगे ये फैन ऐसा क्यों है ना. मैंने सबसे पहले ये फैन लिया था बट 10-15 दिन पहले इसका सर और धर दोनों अलग हो गए. तो ये जो मेरा विंडो है ना, यहाँ से बहुत रोशनी आती है तो मुझे ना सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो मैंने क्या किया, ये जो आप देख रहे हो, मेरे पास कर्टन था नहीं और उधर कर्टन लगाने की जगह भी नहीं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगी. तो मैंने क्या किया, मेरे को है ना मेरी ओनर ने, जो लैंडलॉर्ड है, उसने ना ये कर्टन बेडशीट दिया था तो मैंने इसको कर्टन बना दिया और ऊपर अपने बालों वाली क्लिप के साथ एडजस्ट कर दिया. है कि नहीं अच्छा दिमाग. तालिया. A few moments later. आज मेरा डे ऑफ है एंड डे ऑफ के टाइम, डे ऑफ के दिन यूजुअली आई गो फॉर माई ग्रॉसरी शॉपिंग, वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग. बट आज मेरे को मेरा एक पार्सल भी रिटर्न करना है. हमारे इंडिया में तो घर पे आके ही पार्सल ले लेते हैं बट यहाँ ऐसे नहीं होता. यहाँ आपको वो सिलेक्टेड शॉप में जाना होता है, वहाँ जाके आपका पार्सल रिटर्न करना होता है. वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है. रिटर्न करूंगी काउंटर पे जाके तो वो मुझे एक पेपर दे देगी, फिर हो जाएगा. तो मैंने अभी अपना पार्सल रिटर्न कर लिया है और मेरे को ये रिसीप्ट मिली है पार्सल रिटर्न करके. अब मैं इसको अपने वेबसाइट पे जाके अपलोड करूंगी तो जब मैं अपलोड करूंगी तो मुझे रिफंड आ जाएगा. Goodbye.
शॉपिंग एंड अब मैं जा रही हूँ घर पे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझा होगा कि मैंने क्यों बोला कि मेरा जो रूम है वो अजीब गरीब है। तो अजीब मैं, गरीब मेरा रूम क्यों है, वो तो आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद समझ ही जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। टिल देन यू गुड, कीप गोइंग, बाय बाय। तो मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बचपन में जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई है, तो हम है ना, ये फ़ैन ऐसा होता था तो फ़ैन में गाते ना तो थोड़ा सा आवाज़ अच्छा लगता है। तो तभी वो जो सिंगिंग शोज है ना, नए नए आए हुए थे। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो मेरे को कहाँ आना है? तो हम क्या करते थे, हम फ़ैन में गाना गाते थे और मेरा भाई होता था जज, जिसको सिंगिंग का सा भी नहीं आता है, और वो बंदा जज बनता था। और आयरनी इज वो हमें जज भी करता था। एंड उसके बाद जो मेरा भाई है उसको चाहिए था एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं और मेरी बहन है ना बहुत झगड़ते थे। तो वो बहुत था कमीना कुत्ता, उसको होता था अरे अब इन लोग दोनों का झगड़ा हो गया, उसका एंटरटेनमेंट ख़त्म होगा। तो वो क्या करता था, एक डाइंग में मेरे को जिताता था, एक डाइंग में उसको जिताता था, एक डाइंग में मेरे को, एक डाइंग, तो ऐसे करके ना वो लंबा चलता रहता था। और वो, उसके तो मज़े चल रहे होते थे, मैं और मेरी बहन जिसका खून अलग से खोल रहा होता था भाई, ना सिंगिंग का सा उसको आता था ना सिंगिंग का सा मुझे आता था। फिर भी हम पता नहीं कौन से डिल्यूजनल, हम लोग पता नहीं एक अलग से डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे गाते थे, इससे फ़ैन चालू करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओके, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही, प्लीज़ मेरी आवाज़ का मजाक ना उड़ाया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ। ऐसा दफा भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। एक बार आजा 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 आजा, तेरे बिन सानू सोने कोई होर नहीं लभदा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं रोहन सुकून छुपे जो नखरा मेरा तेरा। सॉरी मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिरिक्स गलत गा दिए, मुझे नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, मैं भूल जाती हूँ। मैं सारे गम के वेखिया अमरीका रूस मलेशिया, ना कोई फर्क सी, हर किसी दी कोई शर्त सी।